अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। हैप्पी न्यू ईयर जी, अल्लाह करे ये साल आप सब के लिए बहुत सारी खुशियों का बायस बने, रहमतें नाजिल हों आप पे, बरकतें नाजिल हों आप पे और हम पे भी। अल्लाह ताला हम सब के लिए इस नए साल को खुशियों का बस गहवारा बना दे। अच्छा, हम लोग ये जो अभी आपको आतिशबाजी नज़र आ रही है, बिल्कुल ये न्यू ईयर पे आतिशबाजी हुई थी बहरिया टाउन में। तो आपको पता ही है बहरिया टाउन का तो टीवी पे भी आ रहा था वैसे भी। तो हम लोग जब गए थे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, लेकिन क्योंकि हमारा तो गांव है वो तो हमें रास्तों का पता है कि किधर किधर से जाएं। बहुत दुनिया ट्रैफिक जो थी वो इतनी ब्लॉक थी कि यकीन जाने के हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं ना वो बेचारे रोड्स पे ही रह गए थे, क्योंकि बहरिया वालों ने एंट्रेंस बंद कर दी हुई थी। तो यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है बहुत ज़बरदस्त किस्म का फायरवर्क किया था बहरिया टाउन वालों ने और बड़ा इंजॉय किया लोगों ने, हमने भी बड़ा इंजॉय किया। हम लोगों का भी बस अचानक से प्रोग्राम बना था, पहले हम नहीं जा रहे थे, फिर अचानक से प्रोग्राम बना के अच्छा चलो चलते हैं, जल्दी से हम फायरवर्क देख के तो वापस आ जाएंगे। तो इंजॉय करें आप भी हमारे साथ फायरवर्क को, फिर बातें करते हैं। चलो चलो से हाथ रखना मेरा प्यारा। ये आगे खड़ा था यहाँ कर दो, इसको नीचे खड़ा कर दो। ऐसे लग रहा तो ऊपर आके गिरेंगे, अभी गिरेंगे, अभी गिरेंगे। वाव फिनिश, नो अब इधर ही रुकना आप लोग। अनुषा इधर यहाँ पे आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अनुषा इधर, आमर्श इधर, आमर्श इधर, सब इधर खड़े हो जाओ, मैं तुम सबकी बनाऊं। सारे इधर लाइन, अनुष्माइन। अच्छा मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, ये जितना आपको लग रहा है ना कि मतलब जितना आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, यकीन जाने ये उसका 1% भी नहीं है जो कि मज़ा वहाँ पे खड़े होकर जो इन्जॉयमेंट हम लोगों ने की थी, ये उसका 1% भी नहीं है। इतना खूबसूरत मंज़र था ये, इतना ज़बरदस्त किस्म का मंज़र था, इतना ज़बरदस्त किस्म का फायरवर्क था कि बस कमाल किस्म का।
और अच्छा लगता है इस तरह के मतलब इवेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा लाहौर में एक और भी था, वो था आई थिंक टॉप रूफ था नोच, हाँ जी रेस्टोरेंट है ये DHA में। तो पहले मैंने सोचा था वहाँ की बुकिंग करवा लेते हैं हम लोग ना, DHA में जो नोच रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम लोग बुकिंग करवा लेते हैं, लेकिन फिर हमारा प्रोग्राम नहीं बना बिकॉज घर पे गेस्ट बहुत ज़्यादा थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अच्छा चलो घर पे ही रह लेंगे, लेकिन फिर अचानक से प्रोग्राम बना के नहीं नहीं हम लोग ना भैरिया टोन चलते हैं, चले कम से कम बच्चे फायर वर्क देख लें तो फायर वर्क देख के ही बच्चे खुश हो जाएंगे। एंड बिलीव मी वाकई में बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। सब सब ऐसे खड़े क्योंकि जी यहाँ पे फायर वर्क ख़त्म हो गया है और लोग अभी वापस जा रहे हैं, और आपने भी वापस नहीं जाना क्योंकि अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हम लोगों ने केक कट किया था और केक खाया भी था, खाया कैसे था वो तो आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि हम लोगों ने केक कैसे खाया था। हुआ इस तरह से था कि जब हम लोग निकलने लगे थे तो क्योंकि हमारे साथ गेस्ट भी थे, तो यहाँ पर ये वाला जो कुकी है ये बहुत खूबसूरत अभी था, बिल्कुल देखने में ऐसे लगता था जैसे कोई टॉय उठाया हुआ है, बट ये ज़िंदा सलामत डॉगी था। अच्छा ये देखें केक के हालात में आपको बताती हूँ, केक बड़ा ही टेस्टी था, बंदूहाँ से ये केक लिया था, किटकैट केक है ये इनका और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, अगर कोई खाना चाहे तो वहाँ से लेके खा सकते हैं आप लोग। अच्छा इस तरह हुआ कि मैंने अनुषा से कहा था कि वो ना डिस्पोजेबल चम्मच ले आए, ऊपर वाले किचन में पड़े हुए थे ड्रार में, तो मैंने उससे कहा कि आप ना डिस्पोजेबल स्पून ले आना। आपको पता है आजकल दुकानें वगैरह जो हैं वो रात को 10 बजे या 11 बजे तक बंद हो जाती हैं, उसके बाद दुकानें खुली नहीं होती। तो अनुषा ने इस तरह किया कि वो एक्साइटमेंट में बिल्कुल भूल गई केक कट करने से पहले ही आमद ने ऊपर से चॉकलेट उठा के खा लिए। अच्छा अनुषे वो भूल गई चम्मच ले जाना, तो अब मसला था कि केक कैसे कट करें, तो गाड़ी में भी रखे हुए थे डिस्पोजेबल स्पून, मैं रखती होती हूँ तो वो भी शायद कहीं पे ना किसी ने वो डिस्पोजेबल स्पून्स है ना जो वो भी निकाल दिए हुए थे गाड़ी वाले भी, तो अब स्पून नहीं था और बच्चों ने केक खाना था। यकीन जाने इतना इंजॉय किया बच्चों ने इस तरह गंदे तरीके से केक खाने को। अनुषा ने अपने बाजू पे केक मान लिया हुआ था और बाजी ने सबको जो केक का बॉक्स है ना इसको फाड़ के तो स्पून बना के दिया, और मेरे बच्चों ने सब ने बाजी के बच्चों ने मैंने मेरे बच्चों ने सब ने ये देखें केक कैसे इंजॉय करे। एंड बिलीव मी इस तरह के इवेंट्स का मज़ा ही कुछ और होता है। ये देखें ज़रा मतलब आप असूलत वाबत में रहते हुए तो मैनर्स में रहते हुए तो आप खाते हैं ना, जरा इल मैनर्ड होके खाने का मजा ही कुछ और मुझे लाया मैं तो चॉकलेट रूमा अपने हाथ भी भरन लग पी तुते अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
और जी लास्ट पे हम लोगों ने बिल्कुल बगैर छत के खाया था, हाजी बाबा के नान टिक्के वगैरह खाए थे। फिर हम लोग घर आ गए थे और घर आने पे बच्चों की कंडीशन देखें ज़रा, रात के 2 बज गए हुए हैं, आई थिंक 2 से भी ऊपर टाइम हो गया, और अभी हम लोग घर पे वापस आए हैं। हालत देखें बच्चों की। हाँ जी मैम, चाबी लो में था। मोइज कैसा था? मोइज नुशा जैकेट गंदी हो रही है। लड्डू के मन बुलाने पापा दो कैंचे हैं जैसे तो बात करो। एक लड्डू काली और लड्डू आंटी पापा आंटी ये पकड़े ये आप